अच्छा ठीक है सर, वधिया जी। सत श्रीकाल, कितना चल रही है जिंदगी? बढ़िया चल रही है सर सो फार। अच्छा, जी टाटा में कई बार लोगों को एग्जाम्पल दे चुके हैं कि भाई गगन दी वर्गी जी मेहनत है जी ना, वो रंग लियांदी इतने कैनेडा, क्योंकि तुसी आके नर्सिंग इंडिया तो आके नर्सिंग दी इतने मेहनत की, एग्जामिनेशन देख कर तुसी RN बने हो, जी प्रोफेशनल इन डिमांड ऑक्यूपेशन में आए हो, जी बजाय कि और कोई छोटे मोटे हॉस्पिटैलिटी या फलाना इधर उधर करके टाइम पास करके। जी, जी किस तरह चल रहे हो? हस्बैंड आ रहा है मैसेज वाला कुछ? मैं उन्होंने नाल तो सर हां जी असी ते बस डेली सेम गल ही कर दे अच्छा, जी। उड़ीक उड़ीक कर दें कि भी कदों आना होएगा? हां जी सर अच्छा, ते वो फिर अजकल दे उथे वीजा ऑफिसर दा चल गया सी ना उधर अपना, हाँ जी हाँ जी वो फिर तबादला हो गया, फलाना हो गया जी, चले गए, थोड़ा सा जी काम कट गया सी उन्हां दा। जी, जी स्क्रीन ते बिखरे हो कुछ? नहीं सर कुछ नहीं दिखता बयाली थी। ओ माय गॉड थैंक यू सो मच सर। तन गुरु नानक सर थैंक यू सो मच कुलविंदर सिंह है, नवंबर 20th, वी गॉट लेट फ्रॉम यस्टरडे। जी जी थैंक यू सो मच सर थैंक यू आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक्स लिटरली थैंक यू सो मच पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया है, तो थैंक्स। तुसी हुन आज वधिया तरीके खुश माहौल से जाके अपनी नौकरी गुरी कर सकदे हो, रात जा मैं आज सकदे सिक हो। कॉल करनी है सर सी कॉल करनी आज? अच्छा, आज मैं जाना नहीं। थैंक यू थैंक्स अ लॉट आई जस्ट इट्स वॉन्ट जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हाँ जी सर ना आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ की भी की सी डिफिकल्टी, वट वॉज द प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग? द केस वॉज लिटरली सो टफ लाइक आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड बैन सीगे फॉर 5 ईयर्स जी, ते ये बैन 2018 दे बीच लग गया सी या जी, जी बैन ते बैन उस का तो लग गया, मतलब कि कोई गलती की थी किसी ने बैन एजेंट? जी सर बैन सर टोटली आप कह सकते हैं कि एक फ्रॉड सीगा एक मिस प्रेजेंटेशन सी एक पूरी फाइल ही मिस प्रेजेंट की गई सी कि एजेंट वालों ते उन्होंने सिर्फ बस एक टोटली ये कह सकते हैं कि एक बस पैसे लैन का एक 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 तरह का एक कंट्रैक्ट होया सी कि तुसी सानू बस इन्ने पैसे देने हैं ते बस डायरेक्टली इन्ने पैसे दो ते अपना वीजा लो। पता नहीं हुण उस टाइम वी वर नॉट मैरिड दैट टाइम बट इदां होया कि उस टाइम उन्होंने इस एजेंट दे थ्रू ज्यादा फाइल अप्लाई की ते बस उस तो बाद जो इन्हों नू बैन होया भी ते उस तो बाद भी एजेंट ने इन्हों नू एक एडिट करके एक रिफ्यूजल लेटर दिती सी ते टू बी ऑनेस्ट ये गल सानू मेरी मैरिज तो बाद सानू 2020 च पता लगी सी। असने एक GCS में रिपोर्ट अप्लाई की सी और रिपोर्ट दे विच सानू पता लग्या सी कि ये बैन ने मतलब सानू उस तो पहला पता ही नहीं सी। उन्होंने बस ये कहा सीगा कि तू रिफ्यूज हो गया वा ते आ तेरी रिफ्यूजल लेटर आ दैट्स इट। ते उस तो बाद साडा उस बंदे नाल कांटेक्ट सी थोड़ा बहुत था कुछ इन्ना ज्यादा नहीं सी बट ये क्वेश्चन ही सी पता हैगा कि भी क्यों बैन लगया किवें लगया कि जदों उस बाद असीं GCSM रिपोर्ट अप्लाई की 1 month बाद उहदा रिजल्ट आया उहदे विच सारी डिटेल्स लिखिया हुई सी कि क्यों उन्होंने पूरी बैंक दी एक बैंक अकाउंट सीगा मतलब उन्होंने एक बैंक अकाउंट दियां पूरियां स्टेटमेंट्स नू एडिट करके लगाया हुआ सी ते उस तो बाद मे बी इन्हां ने एम्बेसी वालों कोई लैटर वगैरह भी गई सी कि तुसीं इस चीज़ नू अगर जस्टिफाई करना चाहुंदे हो जां कोई इन्हां दा आंसर करना चाहुंदे हो तां उहदे वालों कोई आंसर नहीं सी। मे बी उन्होंने 15 days दा टाइम दित्ता सीगा ते उस च सारी डिटेल्स लिखी हुई सी ते उस तो बाद सानू पता लग गया सी कि वह बैन ने दो तीन गलतियां। एक ते वो जेड़े सौदेबाजी वाला सिस्टम होंगे कि भाई इन्ने लख दे दो तो वीजा लगा देंगे, जी ना किसी को पता है कि भाई कि बेस से वीजा लगना, केड़ा डॉक्यूमेंट लगना, कुछ नहीं है भाई, ये सुक्का काम हो गया भाई, हाँ भाई वीजा मिल गया तो इन्ने लख, ठीक है। तो डैट इज वन बिग मिस्टेक। सेकेंड इज के जब एप्लीकेंट अपने डॉक्यूमेंट्स नु कंट्रोल नहीं करता ना कि भाई वो लिखा कि है की भरिया तुम्हें की अटैच किया, फिर तो धोखा होएगा ही होएगा। डेफिनेटली सर मतलब उदों पता नहीं किदां कह सकते हैं एक इनोसेंट पना कह सकते हैं जां कह सकते हैं कि एक
बेवकूफी आ ना कि उहदे ते उन्होंने इन्ना मतलब ट्रस्ट किया कि लग गया कि हाँ उहदे थ्रू पता नहीं, मैनूं नहीं पता कि कोई गए सी जां नहीं गए सी, इन्हां नूं लगदा कि हाँ उस एजेंट दे थ्रू होर लोग इदां ही गए सी, पर आई कैन बिलीव कि इदां गए होणे आ, बट स्टिल है ना कि उह कहिंदे आ कि भी इदां गए सी तां असीं इस करके ट्रस्ट किया होया। पर प्रॉब्लम ये है, चलो ठीक है बैन हो गए ठीक है, पर एटलीस्ट बंदे नू अवेयर तो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने पता ही नहीं सी, दोबारा फिर फाइल लगाते जां फिर साढ़े ते कोई एक्शन आता, सानू उस चीज बारे कुछ भी नहीं सी पता। जे असी GCSM रिपोर्ट ना अप्लाई करते, पता नहीं मतलब भी इन्ना वड्डा ज्यादा वड्डा फ्रॉड किया उस बंदे ने। ते अपना ते बैंक स्टेटमेंट, स्टेट बैंक की बैंक स्टेटमेंट नकली बन गई है, पूरी पूरी बैंक स्टेटमेंट नकली बन गई है, ट्रांजैक्शन जी नकली है। जी उन्होंने मतलब इन्हां नूं कहा कि तुसीं सानूं सिर्फ एक खाली बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस दे उत्ते सानूं तुसीं बैंक अकाउंट दी मतलब जो स्टेटमेंट आ वो दे दो। वो दित्ती सी ते उही स्टेटमेंट नूं उस बंदे ने पता नहीं 10 लाख पता नहीं 5 लाख पता नहीं किन्ना उहदे ते एडिट करके पाता, जबकि उन्होंने बैंक तो जदों ही एम्बेसी ने बैंक तो इनक्वायरी की तो उस टाइम बैंक दे विच बैलेंस जीरो सी, क्योंकि या बैंक नाल कोई है ही नहीं सी लिंक दैट्स इन्हां दा। राइट। सो कई बार ये लोग सोचते हैं कि भी एम्बेसी नु पता नहीं चलूगा, एम्बेसी नु कई बार पता लग गया, जी उन्होंने कॉल कर लिया थी बैंक ने, बैंक मैनेजर नु कॉल कर लिया, शायद बैंक मैनेजर ने साफ मना करता। जी उन्होंने कॉल की थी, वो GCSM रिपोर्ट दे विच लिखिया भी होया सी कि केडी बैंक ब्रांच दे विच उन्होंने कॉल की थी, किन्ने बजे की थी, किनू की थी, ते मतलब पूरी डिटेल सीगी ते उन्हां दा की रिस्पांस सीगा। जी। हाँ हाँ तो मुड़के जब ये 5 साल तो शुरू हो गया जेली सजा ना, मतलब कि जी हम 2018 जून तो 18 5 को जी ईयर्स जून ना 2023, तो 5 ईयर, जी तो 5 ईयर्स के बाद फिर किवें मुड़ रहा है कि भी 5 साल तो हुन बैन हो गया, 5 साल तो वनवास कट गया, हुन ये बाद गांव वीजा कितना मिलेगा। 2 साल सर, 2 साल दो दो 2.5 साल का बनवास उन्होंने इदा ही कट लिया सी कि पता ही नहीं सी, 2.5 का रह गया सी। उस तो बाद साड़ी मैरिज हुई, उस तो बाद असी खुद दोनों मतलब एज अ PR अप्लाई करना चाहते सी उतों, ते उदा पता नहीं उदो कोविड वगैरह हो गया थोड़ा जा इदा पता नहीं किमें करके मतलब एज अ स्टूडेंट मैं आ गई इतने, ते फिर उस टाइम सानू पता लग गया सी, फिर मतलब फिर सानू पता नहीं किदा मतलब मैनू तुहाडे बारे कुछ नहीं सी पता टू बी ऑनेस्ट। मैनू मेरे हस्बैंड ने दसिया सी, उन्होंने यूट्यूब ते तुहाडी वीडियोस देखियां सी, उन्होंने मैनू दसिया सी कि तू इन्हां नाल एक बार कॉन्टैक्ट करके देख, मे बी मैं 2021 दे विच जिस साल मैं आई सी मैं उस साल तुहाडे नाल कॉन्टैक्ट किया सी, ते उदों तो मतलब इन्नी टेंशन सी कि की असीं हुण तो करके देखिए की करके रखिए जो चीज सानू अगे हेल्प करे। फिर हौली हौली उदों तो ही असीं तुहानू फॉलो करदे सी 2021 तो ही, फिर अल्टीमेटली हुण साडा टाइम आया सी, ते होर कोई ऑप्शन नहीं सी। मैनू नहीं लगता सर असीं कितें होर सोचते भी जां जाते भी, असीं कदे सोचे ही नहीं सी, मतलब उदों तो ही 2 साल तो असीं सोचते हुंदे सी कि हाँ बस उही फाइल लॉन्च करनगे जां उत्थे ही करवावांगे। चलो, परमात्मा का शुक्र है कि थैंक यू साड़ी सो मच सर, नो ए विच कोई डाउट नहीं है कि यू कैन डू एनीथिंग, नो डाउट होप या इट्स जस्ट जस्ट नो इस तरह नहीं जो सर, अगर साडा केस निकल सकता तां डेफिनेटली एनीबॉडी कैन टेक अ देयर विजास एंड एवरीथिंग। Well, just to give you a funny funny story and other of special interest information, जरा तुसी क्या ना कि तोड़ा केस निकल सकता है ते बाकी ना भी हो जाएगा। जी ये जिस तरह तोड़ा केस है ना कि एक बार बैन हो गया, नकली कागज लग गए, फिर जी मतलब के फिर प्रोसीजर फेयरनेस लेटर में भी जवाब नहीं आया, वो कोई दबा गया, उन्होंने यूजर की नहीं दिखती या डॉक्यूमेंट शो के थे, यू नो द फैक्ट इज दैट वी ओनली गेट दिस काइंड ऑफ केसेस। मेरे को केसेस ही इतना आते, बिल्कुल नॉर्मल केस पहुंचता आंदा ही नहीं आजकल, बिकॉज मतलब 2 साल तो सर उन्हें पता वा कि दैट्स द ओनली ऑप्शन, द भाई ओनली पर्सन मे बी इन दिस वर्ल्ड और समथिंग इन अ कम्युनिटी वी कैन से। मैनू ये लगता है कि भाई शायद इतने पंजाब के सारे केसेस से मेजोरिटी केसेस इदा ही तुरे फिरते हैं कि भाई इस तरह ही आई जा रहे हैं, इस तरह कि भाई या हाँ जी हुणे भी हुण भी देख लो तुसी सेम ओवें ही चलदी पई है सिचुएशन, हले भी हुण तक भी बहुत लोकां नाल फ्रॉड हो रहा, साडे नाल भी होया वा इदां दे, साडे वर्गे पता नहीं किन्ने आ। लोगों को मतलब ये है कि भी इन्हें एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दो, तो
ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 28 ਲੱਖ, 28 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਓ ਤੇ ਜਾਓ ਬਸ ਇਹੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜੀ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਲੈਂਕ ਫੇਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸ ਜਾਓ, ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਫੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਜੀ ਸੋ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਹੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡਸ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕਸ, ਇਟਸ ਲਿਟਰਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਹੋਰ 2025 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੇਰਾ 20, ਮੇਰਾ ਡਿਸੰਬਰ 2026-25 ਤੱਕ ਹੈ ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਸ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 7th ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਰਸਸ ਨੂੰ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਰਸਸ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ 7th ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਈਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਐਕਟਿਵ ਜੌਬ ਹੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 5 ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੋਰ? ਮੈਂ ਹਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਸੀ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥੈਂਕ ਨੋ। ਯੂ ਸਰ, ਸਰ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਣ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਆਲਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ, ਪੂਰੀ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਲਈਏ One last question to you is this, just in case अगर the husband का visa नहीं लगता तो फिर की तुम्हारी plans? ਸਰ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਚਲੋ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮਤਲब ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ यार, नर्स इतनी भी क्वालिफाइड नर्स कितनी वापस जाएगी, इंडिया की नर्स नहीं, मतलब सर फिर एक फैमिली तो बिना तो मतलब नर्सेस भी, नर्सिंग भी की करनी, इस जॉब्स भी की करनी है, जो तो फैमिली नहीं पूरी, मतलब फैमिली तो बिना तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हुण भी मैनू 2-2.5 साल हो गया, हुण ना। तक ये सी कि चलो हाले तक तो असी फाइल नहीं सी लगाई, सारे पुछदे सी कि की बनिया, क्यों नहीं फाइल लगाई, क्यों नहीं फाइल लगाई, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू देम लाइक आई नो लोकां नू जब पता लगदा कि बैन है, बैन दे बारे अद्धी अद्धी गल तुहानू समझ नहीं आउंदी, व्हाट इज अ बैन, की किस तरह हो गया। जी। मतलब आपां ते कदे किसे नूं दस्से ही नहीं सी, मतलब भी एक मेरी फैमिली, इवन मेरे इन लॉज नूं हले तक नहीं पता, ओह ओके, या उन्हां नूं नहीं पता, कि बस मेरे सिर्फ एक मेरे ब्रदर नूं पता, मेरे हस्बैंड नूं ते सानूं दोनां नूं, ते मतलब इन्ना ही पता सी, कदे किसे नूं दस्से नहीं सी, क्योंकि ये सी कि अगर असीं उन्हां नूं दस्सांगे ओह शायद कितें ना कितें टेंस होणगे, वैसे ही पुछदे रहिंदे सी कि कदों फाइल लगनी है, कदों आऊगा, हे कदों आऊगा, मतलब फिर ये चीज़ बड़ी ओह करदी सी, असीं कदे दस्सिया नहीं सी। बड़ी देर भी नहीं हो गई एक्चुअली, आई वी पुट अप द फाइल आई थिंक ऑन सितंबर, मिडिल ऑफ सितंबर, राइट, मिडिल ऑफ सितंबर, जी सितंबर ऑफ, 20th, इट्स बीन 2 मंथ्स, टाइम ही नहीं हो गया, मतलब इट्स नॉट अबाउट 2 मंथ्स एग्जैक्टली, सो आज पूरे 2 मंथ हो गए, हाँ जी 20th नू लगी सी अपनी फाइल। इट्स नॉट अ बिग डिले एट ऑल। ये हुण ते तुहाडे सारे ब्रदर नू, हस्बैंड नू, सारे नू पता, अगले अगले महीने पता लग जाएगा, व्हेन ही कम्स टू टोरंटो, टोरंटो तो इंस्टाग्राम नहीं पे नहीं सर, आएगा। ਹੁਣ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਕ, ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਲਈ ਨਹੀं ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। You know, one of the things that I'm thinking about is that this guy must be lucky, क्योंकि November चल रहा है, Christmas is just about 4 weeks from now. जी He will likely spend the first Christmas in Brampton. I don't know what he will experience there. Brampton तो क्यों कर देगा वही है सर, कोई नहीं, ऐसा सी ओकवेल चल जाएंगे। सर। It's a good start for somebody to come here and then get the festive side of Canada just on the first day or first week. It's a big जी
That's an experience. Thank you very much for your time, and I wish Thanks to you, sir. Thank you. Thank you very much. thank you. Goodbye. Bye-bye.